बिसमीम् अल्लाम डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज एंड होपफुली अब आपको कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ़ लैंग्वेज अब फंक्शंस ऑफ़ लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज को हम अपने हमने ये पहले लेक्चर में एम्फेसिस किया कि जी लैंग्वेज की ये ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और लैंग्वेज को जो है वो हम अपने एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं वी परफॉर्म वेरियस टास्क बाय द स्पीकर एंड लिसनर तो लैंग्वेज जो है वो हमारी बहुत सारे टास्क को फुलफिल कर रही होती है दीज टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज ठीक है लैंग्वेज हमें हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेट हो रही है कहाँ कहाँ फंक्शन कर रही है तो दीज आर ऑल कॉल्ड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस फिंच एक लैंग्वेज था उसने लैंग्वेज के फंक्शंस को टू ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया है दैट आर द माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ फंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा हैं ये फंक्शंस तो उसको क्या किया उसने दो ब्रॉडर कैटेगरीज में इन फंक्शंस को डिवाइड कर दिया माइक्रो फंक्शंस आर द फंक्शंस विच रेफर टू स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल यूज ठीक है माइक्रो आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है माइक्रो आर द लिमिटेड या स्मॉलर लेवल पर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो फंक्शंस हम लैंग्वेज को अपने लिए यूज़ करते हैं इंडिविजुअल यूज़ के लिए करते हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए करते हैं ऑन ब्रॉडर लेवल जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं लैंग्वेज के मोर देन वन फंक्शंस को तो वो प्रोसेस आपके कहलाते हैं मैक्रो फंक्शंस क्लियर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि हम लैंग्वेज को पिक्चर नेमिंग के लिए यूज़ करते हैं हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम अपने इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम अपना मैसेज कन्वे करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम सोशलाइज़ करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम थिंकिंग प्रोसेस के लिए हम इंजॉयमेंट के लिए हम अपनी लेयर एक्टिविटी के लिए हम अपनी रिक्रिएशन के लिए इन सब चीज़ों के लिए जब हम इंडिविजुअल लेवल पर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इधर स्पीकर्स रिसीवर्स छोटे पैमाने पे तो ये सारे आपके कहलाते हैं माइक्रो फंक्शंस अब माइक्रो फंक्शंस क्या है कि जब हम सोसाइटी में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम ब्रॉडर लेवल्स पर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं लैंग्वेज जो है वो हमारे सिविक्स में जहाँ पर हेल्प कर रही होती है हमारा मुआरा बनाने में जो लैंग्वेज के फंक्शंस हो रहे होते हैं ब्रॉडर लेवल पर दैट आर कॉल्ड मैक्रो फंक्शंस सो अब हम इनकी डिटेल्स देखते हैं वट आर द माइक्रो फंक्शन एंड वट आर द मैक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज माइक्रो फंक्शंस की बात करते हैं सबसे पहला फंक्शंस है फिजियोलॉजिकल फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन के आगे लिखा हुआ है रिलीजिंग फिजिकल एंड नर्वस एनर्जी सो वी ऑल हैव एट सर्टन टाइम्स वी यूज लैंग्वेज टू रिलीज़ आर एनर्जीज ठीक है हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहलाता है ये लैंग्वेज कैन हेल्प गेट रिड ऑफ नर्वस और फिजिकल एनर्जी ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल हम अपने फीयर्स को हम अपने एंगर को हम अपने नर्वसनेस को हम अपने अफेक्शन को ठीक है इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए जब हम आ, कोई भी स्पीकर जो है वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ठीक है इधर लिखा है कि कर्स वर्ड्स आर यूज टू सर्व दिस पर्पस एज दे रेयरली कन्वे एनी मीनिंग एंड आर ओनली टू मेक द स्पीकर फ़ील बेटर अब अगर हम कर्ज़ वर्ड्स कहते हैं हम अचानक से गुस्से में किसी को बुरा भला कह देते हैं या हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख रहे हैं कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं कोई अपने फेवरेट स्पोर्ट्स मैन को देख रहे हैं उस वक्त जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हमारी एनर्जी होती है हमारी एक्साइटमेंट्स होती है हम उसको रिलीज़ करने के लिए जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिखी है फैंस ऑफ द स्पोर्ट जब अपनी लैंग्वेज यूज़ करके अपनी फिज़िकल और अपनी मेंटल एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज ठीक है हमारे इन वर्बल रिएक्शंस होते हैं किसी अच्छी चीज़ को देख के किसी ख़राब चीज़ को देख के कभी गु़स्से में कभी हम अपनी अफेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए जो भी हम इन टू रिलीज़ आर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ जब हम अपनी फिज फ़िज़िकल और नर्वस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज क्लियर नंबर टू पे आ जाता है आपका माइक्रो फंक्शन दैट इज़ फैटिक फंक्शन फैटिक फंक्शंस आर द एक्सप्रेशन दैट हेल्प डिफाइन एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है अब इसमें फैटिक फंक्शन आम लफ्ज़ों में देखें तो इट इज़ द स्मॉल टॉक बेसिकली ठीक है ऐसा नॉन रेफरेंशियल यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है टू शेयर द फीलिंग्स और टू स्टेब्लिश एनी मूड ठीक है Uh, basically it is not to communicate but it is rather to आप इसे कह सकते हैं कि हम फैटिक फंक्शन में लैंग्वेज को कॉन्टिन्यू रखने के लिए जो बोलते हैं दैट इज़ हम किसी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं हम कभी कम्युनिकेशन को प्रोलोंग करना चाहते हैं हम कभी कम्युनिकेशन को डिसकॉन्टीन्यू करना चाहते हैं ठीक है बेसिकली उसको हम कहते हैं कि ये फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है यहाँ पर लिखा हुआ है सच एज स्लैंग्स जोक्स जार्गन्स रिचुअलिस्टिक एक्सचेंजेस स्विचज टू सोशल एंड रिलीजन डायलेक्ट्स अब इसमें लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू नाइस हेलो नाइस डे हेलो तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हम किसी से या तो हम हम इसे लैंग्वेज को सोशबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं ठीक है फैटिक फंक्शन बेसिकली क्या है द यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर सोशबिलिटी आप किसे मिलते हैं तो आप कहते हैं हेलो हाउ आर यू ठीक है कैन यू हेयर मी हम फ़ोन पर बात करते हैं कहते हैं और सुनाओ अब और सुनाओ किस लिए है कि आप कॉन्टिन्यू करना चाह रहे हैं अपने कम्युनिकेशन का गेट ओपन रखना चाह रहे हैं तो यहाँ इस लैंग्वेज का फंक्शन क्या है कि ये फैटिक है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और सुनाओ में आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर करें बट यू आर यू आर गोइंग टू प्रोलोंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू जब भी सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए डिसकंटिन्यू करने के लिए स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है नेक्स्ट इज द इमोटिव फंक्शन इमोटिव फंक्शन टू चेंज द इमोशनल स्टेटस ऑफ एन ऑडियंस फॉर और अगेंस्ट समवन और समथिंग ठीक है इमोटिव फंक्शन बेसिकली ये है कि अगर आप सुनने वाले के हम जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं टू क्रिएट और टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स इन द हेयर जो सुनने वाला है उसकी सर्टेन फीलिंग्स किसी चीज़ के बारे में डिवेलप हो जाए जब हम लैंग्वेज को इसके लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्वेयर वर्ड्स जो होते हैं इन वर्बल रिएक्शंस टू ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ सीनरी अब हम कहते हैं वाओ ब्यूटीफुल ठीक है ओह माई गॉड ओ माई गॉड ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं आप एक तो जो बोलने वाला है वो अपने इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं और दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि जो हयरर है या लिसनर है उसकी इमोटिव स्टेट को अगर आप चेंज करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं किसी के खिलाफ प्रॉपर करने के लिए अगर हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम स्लोगन्स बनाते हैं आ, कोई तहरीक चलाने के लिए करते हैं ठीक है या हम कहते हैं एडवर्टीज़मेंट किसी चीज़ की आप कर रहे हैं इश्तहारों में जो लैंग्वेज यूज़ होती है बेसिकली आप क्या करते हैं इमोशनल फील ऑफ द लिसनर चेंज कर रहे हैं आप थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द इमोटिव फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज ठीक है कि जब हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं कि जो लिसनर है उसमें आप कोई फ़ीलिंग डेवलप कर दें वो किसी चीज़ की फ़ेवर में फ़ीलिंग डेवलप होना उसे मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स फ़ॉर समथिंग हो सकता है और नेगेटिव फीलिंग फॉर समथिंग हो सकता है वो एंगर हो सकता है वो लव हो सकता है वो किसी चीज़ की तरफ आप उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली बहुत जब आप किसी चीज़ की तरफ उसकी इमोटिव इमोशन्स को जो है इमोशनल स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द इमोटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज नेक्स्ट फंक्शन इज रिक्रिएशनल फंक्शन रिक्रिएशन होती है बेसिकली टू मेक द थिंग्स प्लेयर एबल वैन यू यूज लैंगवेज फॉर द शर जॉय ऑफ़ यूजिंग इट सच एज अ बेबीज़ बेबलिंग वर्बल ड्वेलिंग पोइट्री राइटिंग कि जब भी इंडिविजुअल लेवल पर आप रिक्रिएशन के लिए लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ठीक है वैन वी यूज़ लैंग्वेज टू मेक द थिंग्स प्लेयरेबल ठीक है लैंग्वेज नोट्स आप लिख रहे हैं uh, कोई आप वर्बल uh, ड्वेलिंग कुछ ऐसी कर रहे हैं कोई पोइट्री राइटिंग कर रहे हैं जिससे आपकी रिक्रिएशन हो रही है बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशनल फंक्शन हम मतलब बहुत सारी रिक्रिएशन हमारी ये भी है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम ड्राम देख रहे होते हैं हम uh, कुछ पढ़ रहे होते हैं हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो दैट इज़ ऑल लैंगवेज विच इज़ यूज क्या आपकी किसी भी वो आपके लिए प्लेयरेबल हो नेक्स्ट इज़ द रिकॉर्डिंग फंक्शन रिकॉर्डिंग फंक्शन डिनोट्स यूजिंग लैंग्वेज टू मेक अ ड्यूरेबल रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स दैट ओ टू बी रिमेम्बर्ड जब हम लैंग्वेज को रिकॉर्ड करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ ठीक है बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं इस वक्त मैं बोल रही हूँ आप अपने नोट्स बना रहे हैं यू आर रिकॉर्डिंग द लैंग्वेज ठीक है रिटर्न नोट्स उसमें आ सकते हैं अब हम देखते हैं हमारी जितनी भी रिलीजियस हमारी जो इल्हामी किताबें हैं, कुरान पाक है अगर उस वो रिटर्न है दैट इज़ इन अरेबिक लैंग्वेज और उसका एक रिकॉर्ड है ठीक है क्या इसी तरह बाइबल है, आप है, है आपकी हदीस की किताबें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी हिस्ट्री है ये सब कुछ किस तरह सेव है कि लैंग्वेज का एक फंक्शन है कि यू कैन रिकॉर्ड द लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ यू कैन रिकॉर्ड अब मैं बोल रही हूँ ये मैं रिकॉर्डिंग आप तक पहुँचा रही हूँ ठीक है यू कैन रिकॉर्ड द लैंग्वेज आप सुनेंगे और आपको लैंग्वेज का फंक्शन ये एक है कि आपने रिकॉर्डिंग सुनी है इसी तरह से यू कैन सेव द लैंग्वेज इन रिटर्न रिकॉर्ड्स ठीक है आप तस्वीरों के तस्वीरों सिंबल्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो दिस इज़ द फंक्शन क्या आप ड्यूरेबल रिकॉर्ड रख सकते हैं लैंग्वेज की मदद से क्लियर देन कम्स द मेटा लिंगल फंक्शन अब मेटा लिंगल क्या होता है बेसिकली ये फंक्शन ये है कि लैंग्वेज कैन बी यूज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इट फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के करैक्ट्रिस्टिक्स की बात करती हूँ मैं आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रही हूँ हम इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेज डिस्कस कर रहे हैं तो लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए भी वी यूज़ लैंग्वेज ठीक है वी कैन टॉक अबाउट टॉक एंड वी कैन थिंक अबाउट थिंकिंग ठीक है एज ह्यूमन बींग्स वी हैव द क्वालिटी कि हम लैंग्वेज को यूज़ कर देते हैं टू एक्सप्लेन द लैंग्वेज इट्स ठीक है हम किसी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हम किसी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं अगर मैं आपको अभी ये मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन का बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द मेटा लिंग्वल फंक्शन तो मेटा लिंग्वल का मतलब अगर मैं आपको बता रही हूँ एक इंग्लिश का वर्ड है तो आई एम यूजिंग द लैंग्वेज टू एक्सप्लेन यू दिस इज द मेटा लिंग वेल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज कि वी कैन टॉक अबाउट द लैंग्वेज इट्सल्फ नेक्स्ट इज द माइक्रो फंक्शन हमारे ही चल रहे हैं नेक्स्ट माइक्रो फंक्शन इज़ आइडेंटिफाइंग फंक्शन लैंग्वेज इज़ यूज ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड विलव इन ठीक है अब हम जितनी भी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं ठीक है हमने हर एक का एक नाम रखा हुआ है हमारे पास एक लैंग्वेज है उसका कोई सिंबल है जो एसोसिएट किया हुआ है हमने किसी भी चीज़ से ठीक है आप इस वक्त अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ आपके सामने कन्फ्रंटेंशन पर जितने सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो आपके से दूर हैं आपके पीछे मैं आपसे आप कहती हूँ आपके दूसरे कमरे में क्या क्या है तो वहाँ भी जो कुछ है देयर इज़ अ नेम फॉर एनी थिंग तो वी यूज़ लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स ठीक है हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उसका एक चीज़ का नाम है उसके लिए हमें एक लैंग्वेज का चाहिए होती है तो वो यूज़ लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई द थिंग्स वो यूज़ नेम्स टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वेदर वो कॉल अ कार एन ऑटोमोबाइल अ लॉरी अ वैन और अ ट्रक्स मेक्स अ बिग डिफ्रेंस अब यहाँ एक कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि एक ऑटोमोबाइल्स की बात की है या कार, कार की बात की है ठीक है अब आपके डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स हैं लॉरी एक अलग चीज़ है वैन एक अलग चीज़ है ट्रक एक अलग चीज़ है आप जिस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करते हैं वो थ्रू लैंग्वेज करते हैं ठीक है थीके? हर चीज़ का एक अलग नाम है और उसकी एक अलग पहचान है और आप चीज़ों को किससे पहचानते हैं थ्रू द लैंग्वेज क्लियर नेक्स्ट इज द रीजनिंग फंक्शन सो इट इज़ द लैंग्वेज इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ थाट वी यूज़ लैंग्वेज टू थिंक ठीक है बिफोर वी से सम थिंग वी थिंक एंड टू डू वट वी नेसेसरी यूज़ लैंग्वेज अब हमने जो भी कुछ करना होता है बेसिकली वो हर एक्शन से पहले क्या होती है आपकी थॉट होती है और उस थॉट के लिए क्या होती है इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारी थाट का दैट इज लैंग्वेज तो हम जो कुछ सोच सोचते हैं वो एक लैंग्वेज में सोचते हैं ठीक है हमने कोई लॉजिक देनी है कोई रीजनिंग करनी है कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जो है वो मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम को ये करूँगी तो बेसिकली आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज टू थिंक अगर वो ये कहेगा तो मैं ये कहूँगी तो आई एम थिंकिंग बट आई एम थिंकिंग यूजिंग अ लैंग्वेज हमें किसी को कोई लॉजिक देनी होती है जब हम ब्रेन को यूज़ करते हो हम अपने थाट्स को असेंबल uh, कर रहे होते हैं फिर एनी रीजनिंग तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं हम वई रीज़न इन अ लैंग्वेज वी गिव लॉजिक इन अ लैंग्वेज सो दिस इज द रीजनिंग फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज कि लैंग्वेज इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ थाट नेक्स्ट इज द कम्युनिकेटिंग फंक्शन अब कम्युनिकेटिंग फंक्शन बेसिकली द मोस्ट

ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं वी यूज़ लैंग्वेज फॉर रिक्वेस्टिंग अपोलोजाइजिंग इनफॉर्मिंग ऑर्डरिंग एज वेल एज़ प्रामिस एंड रिफ्यूजिंग और ऑल द रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग आर आइडियाज़ आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है आपको किसी से माफ़ी मांगनी है आपको किसी को कोई खबर पहुँचानी है आपको किसी को कोई ऑर्डर करना है आपको कोई प्रॉमिस करना है ठीक है आपको किसी को कुछ रिफ्यूज़ करना है वी ऑल यूज़ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन तो दिस इज़ द ठीक है वी नीड लैंग्वेज टू कन्वे एंड ऑल्सो वी नीड लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट किया आपसे किसी ने अपोलोजाइज किया आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हम कंपनी भी किससे करते हैं थ्रू लैंग्वेज नेक्स्ट आध मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज पहले भी कहा कि ये वो फंक्शंस हैं व्हेन वो इनकॉर्पोरेट टू और मोर फंक्शंस एट अ टाइम दिस इज़ कॉल्ड द मैक्रो फंक्शंस ब्रॉडर लेवल पर जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर सोशल यूज इंटरपर्सनल फंक्शन इट इज़ कंसर्न विद इंटरेक्शन बिटवीन द एड्रेसर एंड एड्रेस एड्रेसी, इन द डिस्कोर्स सिचुएशन एंड द एड्रेस एटीट्यूड टू वट ही स्पीक्स और राइट्स अबाउट ठीक है एड्रेसर कैन बी राइट अब लैंग्वेज का जो एड्रेसर है वो बोलने वाला है या वो लिखने वाला है और एड्रेसी जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है ठीक है कोई भी जब डिस्कोर्स सिचुएशन में आए तो एड्रेस का क्या एटीट्यूड है और एड्रेसी जो है Uh, कैसे उसको परसीव कर रहा है दिस इज़ द इंटरपर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अब इंटरपर्सनल के ही आगे दो सब टाइप्स लिखी हुई हैं इसकी मज़ीद सब टाइप भी हो सकती हैं सबसे पहले जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं एक है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज इज़ यूज टू कन्वे मैसेज ठीक है इन्फॉमेटिव फंक्शन क्या है कि लैंग्वेज को हम इन डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं आर्गूमेंट्स में यूज़ करते हैं एवरीडे स्पीच में फॉर uh, एग्ज़ाम्पल हम कोई इन्फ़ो किसी को देना चाहते हैं ठीक है हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है तो दैट इज़ द इन्फॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हम न्यूज़ देखते हैं बेसिकली वो क्या होती है कि आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी नई भी हो सकती है और वो एक कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जब भी हम किसी को कोई ऐसी बात बताते हैं जिसमें हमारा मकसद क्या होता है कि टू कम्यूनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट इज़ द इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज दैन है परफॉर्मेटिव परफॉर्मेटिव में इट इज़ टू चेंज द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन ठीक है द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू डू थिंग्स एंड टू परफॉर्म एक्शंस जब हम किसी काम को करने के लिए परफॉर्म करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ठीक है बेसिकली इसमें यूजुअली क्या होता है टू चेंज द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन एज इन मैरिज सेरेमनीज़ ठीक है लैंग्वेज यूज़ करते हैं सेंटेंसिंग ऑफ क्रिमिनल्स ब्लैसिंग ऑफ चिल्ड्रंस के मौके पे, द नेमिंग ऑफ द शेप एट अ लॉन्चिंग सेरेमनी एंड द क्लोजिंग ऑफ एनिम बेसिकली जो होती है ना ये फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं ठीक है आई कॉन्ग्रेजुलेट यू नाव आई प्रोना नाव जो हम कहते हैं कोई ऐलान कर रहे हैं कोई हम मैरिज में कि आज से जो हैं वो ये दोनों एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी हैं ठीक है आई कॉन्ग्रेजुलेट यू ऑन द बर्थ ऑफ़ योर सन जब हम फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर्मल होती है परफॉर्मेटिव लैंग्वेज एंड रिचुअलाइज्ड होती है ठीक है रस्मी होती है और फॉर्मल होती है तो दिस इज़ द परफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज और ये इंफॉर्मेटिव और परफॉर्मेटिव बेसिकली इंटरपर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की ही सब टाइप्स आप कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट मैक्रो uh, फंक्शन आपकी लैंग्वेज का है पोइटिक फंक्शन अब पोइट्रिक फंक्शन बेसिकली क्या है अब पोइट्रिक फ्शंस का मतलब ये नहीं है कि पोइट्री है इट इज़ मोर देन पोइट्री ठीक है द एबिलिटी टू मैनिपुलेट लैंग्वेज इन अ क्रिएटिव वे जब भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप प्रोज लिख रहे हैं फिक्शन लिख रहे हैं आप मेटाफर्स uh, यूज़ कर रहे हैं वेन वी यूज़ लैंग्वेज हम वी कैन प्ले विद वर्ड्स एंड मीनिंग सिंपली फॉर जॉय अब पोइटिक फंक्शन ब्रॉडर लेवल है इसका पोइटिक लिखा हुआ है बट इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू पोइट्री ओनली ठीक है ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप लैंग्वेज को क्रिएटिव वे में यूज कर रहे हैं टू क्रिएट द लिटरेचर इन एनी लैंग्वेज दिस इज़ कॉल्ड द पोइटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज और ये लिटरेचर जाहिर है फिर मतलब यूजली uh, पब्लिश होगा और सब लोग पढ़ेंगे मतलब बड़े पैमाने पर पे जब हम इसे कहते हैं तो ये पोइट्रिक फंक्शन कहलाता है अगर इंडिविजुअली कोई लैंग्वेज को अपनी डायरी लिखने के लिए यूज़ कर रहा है कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है जो कि वो पब्लिश नहीं करा रहा अपने लिए लिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड द रिक्रिएशनल फंक्शन ठीक है बट वेन यू यूज़ द लैंगवेज टू मे एक लिटरेचर इन एनी लैंग्वेज आप अदब लिख रहे हैं आप उसको यूज़ कर रहे हैं बड़े पैमाने पे दैट इज़ कॉल्ड पोइटिक फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज देन इज टेक्सचुअल फंक्शन टेक्स्ट से या टेक्सचुअल फंक्शन टेक्सचुअल कंपिटेंस रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू क्रिएट लॉन्ग एट्रेंसिस और पीसीज ऑफ राइटिंग अब हमने ये कहा था कि हमारे पास फ़ाइनाइट रूल्स होते हैं फाइनाइट सेंटेंसेस होते हैं बट वे यूज़ लैंग्वेज लैंग्वेज हमें अलाउ करती है कि हम अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हुए अपने इंटरेक्शन को जो है वो लॉन्ग एट्रेंसेस बना सकते हैं हम बड़े बड़े पीजेज़ ऑफ राइटिंग या बड़े बड़े सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेज से नहीं, बस जब टेक्सचुअल की बात आती है तो बेसिकली इट इज़ अबाउट द राइटिंग ठीक है तो क्या बेसिकली टेक्चुअल फंक्शन क्या होता है कि इट मेक द कम्युनिकेशन ईजियर अब जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ अब ये मैंने लिखा हुआ है मैंने पॉइंट्स में लिख दिए ठीक है अब मैं एक लंबा सेंटेंस बोलती हूँ ठीक है उसके दरम्यान में जो है वो मैं कहती हूँ कि ऑन द फर्स्ट हैंड दिस एंड ऑन द अदर हैंड दिस बेसिकली क्या है कि पीसीज ऑफ राइटिंग ए ट्रेंसिस को हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिस बना सकते हैं दिस इज कॉल्ड द टेक्सचुअल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज नेक्स्ट इज द आइडिएशनल फंक्शन आइडिएशनल फंक्शन रेफर्स टू द कंसेपच्चुअलाइजिंग प्रोसेस इन्वाल्व इन अवर मेंटल एक्टिविटीज ठीक है इट इज़ लिंक्ड विद द एक्सपीरियंसिस हम एज ह्यूमन बीइंग हम ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं हम ट्राई करते हैं कि अंडरस्टैंड करें कि हमारे इर्द गिर्द वर्ल्ड में क्या हो रहा है ठीक है वी कैन यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड ठीक है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ये ब्लेसिंग है हम पे कि वी कैन अंडरस्टैंड वट इज़ हैपनिंग अराउंड ठीक है तो बेसिकली इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस The things we see, we feel, we hear, we experience, हम उनको explain कर सकते हैं through the language, हम उनको understand कर सकते हैं और हम उनको explain कर सकते हैं। तो this is the ideational function, it involves our mental activities, ठीक है? हमारा experience, हमारा thinking process इसमें, हमारी conceptualization इसमें involved होती है ideational function. तो दीज़ आर ऑल अबाउट द फंक्शंज ऑफ लैंग्वेज ठीक है अब जितने फंक्शंस हमने किए हैं हमने आठ सात आठ फंक्शन किए आपके माइक्रो फंक्शंस और चार मेजर फंक्शंज हमने किए माइक्रो फंक्शंस दीज ऑल अबब मैंशन फंक्शंस आर ओनली वन पॉइंट ऑफ योन लैंग्वेज मोस्ट सर्टनली देर आर मैनी अदर फंक्शंस दैट नेचुरल लैंग्वेज फुलफिल ठीक है इसके अलावा भी बंडल ऑफ़ फंक्शंस हो सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज फुलफ़िल करती है येट डिपेंडिंग ऑन अप्रोच टू दिस इशू द नंबर ऑफ़ फंक्शंज एंड देयर नेम्स माइट वेरी अब ओवरलैप हो सकते हैं आपको यही फंक्शंस कुछ किताबों में किसी और नाम से मिल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो यहाँ नहीं कहे लेकिन वो इस किसी किसी कैटेगरी के में फॉल कर सकते हैं तो देयर आर मैनी वेरियस अरेंज ऑफ फंक्शंस दैट आर फुलफ़िल्ड बाई द लैंग्वेज बाय एनी लैंग्वेज तो हेयर इज़ अ चार्ट ये जो कुछ मैंने पीछे बोला है पढ़ाया है वही इस चार्ट में भी लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है इंटरपर्सनल फंक्शन क्या होता है उसके आगे एग्जांपल्स लिखी हुई है परफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है उसकी एग्जांपल लिखी हुई है इमोटिव फंक्शन क्या होता है फेटिक फंक्शन की एग्जांपल्स लिखी हुई है रिक्रिएशनल की लिखी हुई है और मेटर लिंगल की लिखी हुई है तो दीज आर ऑल अबाउट द लैंग्वेज फंक्शंस तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हम मैं आपको एक समरी में बताऊं तो हमने फंक्शंस में दो तरह के फंक्शंस किए माइक्रो फंक्शंस एंड मैक्रो फंक्शंस माइक्रो फंक्शंस वो हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर लैंग्वेज परफॉर्म कर रही है और माइक्रो फंक्शन वह हैं जो लैंग्वेज ब्रॉडर लेवल परफॉर्म पर कर रही है तो इन फंक्शंस की आपको बेसिकली माइक्रो कौन से हैं मैक्रो कौन से हैं ये क्लियर होना चाहिए और साथ ये कि कौन सा जो फंक्शन है लैंग्वेज वो क्या है उसकी डिटेल क्या है और एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन ऑफ़ द लैंग्वेज तो इस लेक्चर के बाद होपफुली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द बेसिक माइक्रो एंड मैक्रो फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज दीज आर द फंक्शंस ऑफ एनी लैंग्वेज ठीक है अब ये फंक्शन हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश के फंक्शन है उर्दू के फंक्शन है नेचुरल लैंग्वेज जितनी आपकी हैं वो इन सब फंक्शंस को फुलफ़िल करती हैं ठीक है एज ह्यूमन बींग्स हम सब ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं थ्रू द लैंग्वेज सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डे थर्टियत को आपकी असाइमेंट की डेट है और उसके बाद आपकी सेकेंड असाइनमेंट पोस्ट की जाएगी ठीक है तो ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा आपके क्लास रूम में और इसकी स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो होपिंग फॉर योर फीडबैक इन द्ट्सएप ग्रुप अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम to ask any questions in the WhatsApp group. Till next lecture Fiamanila Allah is stay blessed.